दोस्तों धमाकेदार न्यूज है आप लोगों के लिए। PSL सीजन 9 के तीसरे मैच में मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को 55 रनों से शिकस्त दे दी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कराची किंग के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर किया पहले गेंदबाजी का फैसला। दोस्तों मुल्तान की तरफ से ओपनिंग के लिए आए कप्तान मोहम्मद रिजवान और डेविड मलान। दोस्तों 11 रनों पर कप्तान मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान का साथ छोड़ गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 11 रन बनाकर मीरमदा की बॉल पर LBW हो गए। एक विकेट गिरने के बाद डेविड मलान और रिजा हैंड्रिक से टीम मुल्तान सुल्तान के लिए 121 रन जोड़े 84 बॉलों पर। इसी दौरान रिजा हैंड्रिक्स ने एक छक्का और 5 चौके लगाकर 39 बॉलों पर अपने 50 रन मुकम्मल किए, जबकि दूसरी तरफ डेविड मलान ने एक छक्का और 4 चौके लगाकर 37 बॉलों पर अपने 50 रन मुकम्मल किए। दोस्तों 138 के स्कोर पर डेविड मलान आउट हो गए। डेविड मलान ने 52 रन बनाए 41 बॉलों पर। दोस्तों 138 पर दो खिलाड़ी आउट होने के बाद खुलदिल शाह और रिजा हैंड्रिक्स ने 47 रन जोड़े 23 बॉलों पर और टीम मुल्तान सुल्तान के स्कोर को पहुंचा दी 185 पर और टीम कराची किंग्स को जीत के लिए 186 रनों को टारगेट दिया, जबकि रिजा हैंड्रिक्स नॉट आउट रहे 79 रन बनाकर 54 बॉलों पर, जबकि दूसरी तरफ खुशदिल शाह ने 28 रन बनाए 13 बॉलों पर और वो भी नॉट आउट रहे। कराची किंग्स की तरफ से मीर हमदा ने 4 ओवर में 30 रन दिए और एक विकेट ली। दोस्तों कराची किंग्स की तरफ से 186 रनों का पीछा करने ओपनिंग के लिए कप्तान शान मसूद और जेम्स वेंस। दोस्तों कराची किंग्स 186 रनों का पीछा करते शुरू से ही मुश्किलात का शिकार थी और 10 रन पे उनके दो खिलाड़ी आउट हो गए थे। दो खिलाड़ी आउट होने के बाद कप्तान शान मसूद और शुएब मलिक ने 52 रनों की पार्टनरशिप लगाई और टीम कराची किंग्स के स्कोर को 62 पर पहुंचा दिया। 62 के स्कोर पर कप्तान शान मसूद आउट हो गए। शान मसूद ने 30 रन बनाए। शान मसूद ने एक छक्का और 4 चौके भी लगाए। 99 के स्कोर पर शुएब मलिक भी आउट हो गए। शुएब मलिक ने 53 रन बनाए 35 बॉलों पर। शुएब मलिक ने 2 छक्के और 5 चौके लगाए। दोस्तों 100 के स्कोर पर कराची किंग्स की 5वीं विकेट मोहम्मद नवाज की गिरी। मोहम्मद नवाज कराची किंग्स की आखिरी होप थे। मोहम्मद नवाज ने 7 रन बनाए 10 बॉलों पर। दोस्तों कराची किंग्स की तरफ से किरण पोलार्ड ने 28 रन बनाए 29 बॉलों पर। दोस्तों इस तरह कराची किंग्स की टीम 20 ओवर में सिर्फ 130 रन ही बना सकी और उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे, जबकि कराची किंग्स की तरफ से किरण पोलार्ड ने 28 रन बनाए 29 बॉलों पर और वो नॉट आउट रहे। दोस्तों बात करें मुल्तान सुल्तान के गेंदबाजों की तो मोहम्मद अली ने 4 ओवर में 23 रन दिए, 3 विकेट ली। डेविड विली ने 4 ओवर में 22 रन दिए, 2 विकेट ली। अब्बास आफरीदी ने 3 ओवर में 16 रन दिए और 2 विकेट ली।